खबर रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के फील्ड में तैनात इंजीनियर अपने अपने कार्य क्षेत्र के फीडरों पर न्यूनतम ट्रिपिंग सुनिश्चित करें, ताकि विद्युत उपभोक्ताओं को कम से कम व्यवधान के साथ विद्युत परिश्रम प्रदाय किया जा सके। यह निर्देश गत दिवस मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी सेंट्रल जोन के कार्यपालन अभिनेताओं एवं उच्च अधिकारियों की बैठक में प्रबंध संचालक इंजीनियर सुनील तिवारी ने दिए। इस बैठक में सभी संकायों के मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी भी शामिल थे। हर ट्रिपिंग का सूक्ष्म अन्वेषण किया जाए। इंजीनियर सुनील तिवारी ने बैठक में निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश की हर ट्रिपिंग की गहन अन्वेषण किया जाए, ताकि त्रुटि के कारणों का निराकरण समय पर किया जा सके तथा कहीं व्यवधान न होने पाए। उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में लोड सीजन के लिए सभी अभी से तैयारियां कर ट्रांसफार्मर और अलाइनों की क्षमता बढ़ोतरी एवं रखरखाव के कार्य समय पर पूरा कर लेवे। प्रधानमंत्री जल शक्ति मिशन के संबंधित कार्य प्राथमिकता से करें। प्रबंध संचालक इंजीनियर सुनील तिवारी ने निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश के हिस्से का प्रधानमंत्री जल शक्ति मिशन से संबंधित ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा नई अति उच्च दाब लाइनों का उन्नयन या निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। फैमिली पेंशन के प्रकरण अविलंब निराकृत किए जाएं। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि कंपनी में पेंशन, खासकर फैमिली पेंशन के प्रकरण अविलंब निराकृत किए जाएं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी देर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का सत्यापन संबंधित कर्मचारी से तुरंत करवाएं एवं आवश्यकता होने पर सुधार करवाएं। उन्होंने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सभी क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस प्रकार फील्ड के अधिकारी कर्मचारी रात दिन कार्य करते हैं, कार्यालयों के कर्मचारी भी लगन से कार्य करें तथा कोई भी अनावश्यक पेंडिंग न रखें। नई पीढ़ी को अच्छी विरासत सौंप कर जाएं। पुराने अधिकारी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक इंजीनियर सुनील तिवारी ने कंपनी के समस्त कार्मिकों का आह्वान करते हुए कहा कि वह नई पीढ़ी को अच्छी विरासत सौंप कर जाएं। उन्होंने कहा कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं और विद्युत मंडल और ट्रांसमिशन कंपनी की सेवा करने के बाद सभी ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ विशेषज्ञता जरूर हासिल की है। यह उनका कर्तव्य कि नई पीढ़ी को अपने कार्य अनुभव और विशेषज्ञता के बारे में विस्तार से बताएं, ताकि कंपनी की नई पीढ़ी इसे आत्मसात कर और बेहतर कर सके। उन्होंने फील्ड के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निरीक्षण कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया जावे, केवल खाना पूर्ति ना की जाए।